हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशु और मैं आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपको गैस लाइटर रिपेयर करना सिखाएंगे कि कैसे रिपेयर करते हैं। माना कि अगर लाइटर नहीं चल रहा है या जो स्पार्क बंद हो जाती है गैस पे, लाइटर बार बार ही चला रहे हैं लाइक दिस, ये देखो ऐसे कर रहे हैं, नहीं चल रहा है और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं कि लाइटर बंद हो जाता है। तो आज हम आपको पूरा बताएंगे कि कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे ये सही हो सकता है या सही नहीं हो सकता जो ख़राब हो गए हैं, और मतलब सब कुछ बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो तो देख के अच्छा लगेगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने बाद अच्छा लगे तो लाइक करें। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो ये लाइटर है, तो इसको हम यहाँ से खोलेंगे ऐसे करके, ये ऐसे लाइक दिस, ओके ये खुल गया। ये होती है इसका स्प्रिंग जो ये इसको मतलब पुश करेगा, जो लाइटर को मेन चीज़ यही है। और इसके अलावा दूसरी मेन चीज़ होती है इसका पत्थर। अब हम इसका वो निकालेंगे, ये इसमें ऐसे लग जाता है, ये ऐसे लग गया, ऐसे लगता है, इसके ऊपर ये लगेगा ऐसे और ये ऐसे इसको पुश करता है, देखो ये आ गया ना, तो लाइटर फिर चलता है। अब लाइटर में कई में कमी होती है कि स्पार्क नहीं हो पाता, ये मतलब प्रॉपरली नहीं करता है स्पार्क। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो लाइटर रिपेयर नहीं होंगे, जो नहीं हो सकते रिपेयर, जैसे ये अंदर ये दिख रहा है आपको, ये प्लास्टिक जो है, मानो ये प्लास्टिक है, अगर ये प्लास्टिक पिघल गया या मानो जल गया, देखो ये दिख रहा है आपको ये वाला, अगर ये पिघल गया तो लाइटर रिपेयर नहीं हो सकता, उसको फेंक दो। दूसरी बात करते हैं कि स्पार्क कम होता है, तो इस जगह पे ना गंद मतलब कुछ कार्बन वगैरह जम जाता है, कार्बन बोलते हैं ना, जैसे कोई मतलब जम जाता है, तो कोई भी बारीक चीज़ हो ऐसे करके ये कार्बन यहाँ से ऐसे करके हटाना है और ये हट जाएगा, ठीक है, हट जाएगा तो चल जाएगा आपका लाइट। और उसके बाद क्या होता है कि कई आप ऐसा होता है कि भाई लाइटर ऐसे कर ही जा रहे हो टप 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 टप, तो वो चलता नहीं है, उसके लिए भी सलूशन है। तो लाइटर को एक होता है कि वो भी बताऊंगा अभी आपको मैं, उसके बाद होता है कि लाइटर खोल लिया आपसे फिट नहीं होएगा, तो ये चीज़ भी निकल जाती है इसकी, भाई ये हमने निकाली नहीं है, ये निकल जाती है। तो लाइटर को फिट कैसे करें, फिट करने के लिए सब सिंपल है, ये चीज़ दिख रही है आपको, इस चीज़ को सबसे पहले ये चीज़ इसके अंदर डालनी है, ठीक है, ये गई। उसके बाद हम ये स्प्रिंग इस तरफ से डालेंगे, जहाँ से ये स्प्रिंग का मुंह आगे से है ना, इस तरफ से इसको अंदर डालेंगे यहाँ ऐसे लाइक दिस, ओके। उसके बाद ये होता है किसी में, नहीं होता, नहीं तो वो सिंपल हो ऊपर से भी लगता है। उसके बाद ये और फिर ये लाइटर लग गया, ये ऐसे को बंद कर देंगे और ये लाइटर चल गया, ये देखो आप स्पार्क होएगा, भी ये दिख रहा है आपको स्पार्क, ये देखो अंधेरे में दिखेगा, ये वीडियो में दिख नहीं रहा, ये देखो ये वीडियो में दिख नहीं रहा है स्पार्क, बट ये हो रहा है, लाइटर ठीक हो गया है, ये देखो दिख रहा है, तो ये रिपेयर हो गया। और हाँ, दोबारा फिर बता देता हूँ, अगर ये चीज़ पिघली हुई है, ये प्लास्टिक जो है अंदर, अगर ये पिघली हुई है तो लाइटर रिपेयर नहीं होगी, तो लाइटर को फेंक दो, नया ले लो। दूसरी बात, और फिर क्या होता है कि भाई कई लाइटर पानी में गिर जाते हैं, नहीं चलते हैं, सिंपल सी बात है, एक दो घंटे धूप में रखो चल जाएगा, उसके बाद भी नहीं चलता तो फिर पत्थर ख़राब हो गया,
उसको भी फेंक दो, वो नहीं होएगा रिपेयर, ठीक है। बस सिंपल सा यही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।